आज हम मैथ्स में पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एलिगेशन मिश्रण। इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, जो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, उसको मैं करा रहा हूँ। इसमें क्या दिया है कि एक मिश्र धातु के 200 ग्राम कॉपर और जिंक का अनुपात 2:3 है। अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा ज्ञात करो। सिंपल आपको मैं मेथड बताता हूँ, कोई एक्स नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल ध्यान दो आप। मेरे पास यहाँ इसका अनुपात कितना है, पहले 2:3 कॉपर का और जिंक का। मेरे को इसमें अनुपात को 3:2 करना है। इसमें क्या मिलाना है, कॉपर मिलाना है। सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आप, जब मैं यहाँ इसमें जो चीज़ मिलाऊंगा ना, तो वो चीज़ बदल जाएगी लेकिन दूसरी वाली चीज़ नहीं बदलेगी। ये इसको ऐसे समझो कि जब मैंने यहाँ कॉपर मिलाई तो जिंक मेरा बदलना नहीं चाहिए ना, जिंक पहले भी जितना था अब भी उतने रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिंक की मात्रा बदल गई है, तो पहले मुझे जिंक की मात्रा समान करनी होगी। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। मुझे 3 को 6 बनाना, तो मैं मल्टीप्लाई यहाँ किससे करूँगा, 2 से, तो अब मल्टीप्लाई जो है यहाँ भी किससे होगी, 2 से होगी। अब मुझे इसे 6 बनाना, तो मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से। जब मैंने यहाँ 3 मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी किससे होगी, 3 से। उसके बाद ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 6। आप सिंपल इस बात को देखो कि ये कॉपर है और ये मेरे पास जिंक है। जब मैं यहां कॉपर मिला रहा हूं तो मेरा जिंक नहीं बदलेगा, जो कि बदला भी नहीं गया है, तो अब ये चीज सही है। अब आप ये देखो कि मेरे हिसाब से ये कुल कितनी है, कुल मेरे हिसाब से कुल है 10, लेकिन बुक ने बोला है कि कुल कितनी है, कुल है 200 ग्राम, तो मेरा यहां 10 बराबर होगा 200 ग्राम। इस 0 से ये 0 बढ़ जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ गया, 20 ग्राम। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ कॉपर कितनी मिलाई गई। आप देखो कि आपके पास कॉपर कितनी थी शुरू में, 4, अब कॉपर आपके पास कितनी है, 9, तो मैंने यहाँ कॉपर कितनी मिलाई, मैंने यहाँ कॉपर मिलाई 5। इसका मतलब ये है कि मुझे 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब मेरे हिसाब से 5 मिलाई गई। तो आप इसको ऐसे समझो ना कि 1 बराबर 20, तो 5 निकालना है, तो मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 से यहाँ और 5 से यहाँ, और कितना जाएगा, ये 100 ग्राम। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं इसी टाइप का। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, उसमें कितना लीटर पानी और मिलाया दिया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। अब एक बात सिंपल आप समझो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो चीज़ मिलाते हैं सिर्फ वही बदलती है, दूसरी नहीं बदलती। इसने मुझसे बोला इसमें कितना पानी और मिला दिया है, मतलब जब मैं यहाँ वाटर मिला रहा हूँ तो ये आपको सबको समझ में आनी चाहिए बात, मिल्क नहीं बदलेगा, मिल्क की मात्रा समान रहेगी। अब ये दोनों समान नहीं है ना, तो मैं इसको समान किस तरह से करूँगा, अपने एलसीएम, एलसीएम कितना है इसका, 2, इसे 2 बनाना है तो इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी इसको 2 बनाना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1, और ये कितना हो जाएगा, 2:4। तो अब आप देखो कि मैं यहाँ पानी मिला रहा हूँ तो मेरा दूध नहीं बदलेगा, पहले भी दूध 2 था, अभी भी कितना है, 2, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ कुल कितना है, यहाँ मेरे हिसाब से कुल जो है 3 है, लेकिन बुक ने बोला है कि कुल कितना है, कुल मिश्रण कितना है, 60, तो मेरा 3 बराबर किसका आ गया, 60 लीटर। इसको डिवाइड करोगे तो 1 बराबर किसका आ गया, 20 लीटर। अब ये मुझसे अपना आंसर क्या पूछ रहा है, इसने मुझसे बोला है इसमें कितनी लीटर पानी और मिला है। सिंपल सी बात है, इसमें मुझे पानी मिलाना है, वाटर। आप देखो पहले मेरे पास कितना पानी था, 1, अब कितना है, 4, इसका मतलब मैंने कितना मिलाया है, मैंने 3 मिलाया, मुझे 3 का मान चाहिए, तो आप यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आप यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना आएगा, 60 लीटर। ये मेरा क्या है, आंसर है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में, ध्यान देंगे। इसलिए हमसे बोला है कि बर्तन एक्स में दूध और पानी का मिश्रण, बर्तन वाई में दूध और पानी के मिश्रण का 120% है। मतलब जो एक्स है, एक्स वो वाई वाले का 120% है, एक्स जो है वो वाई का कितना है, 120%। तो सिंपल सा गेम है कि आप इसको जो है ना 100 मान लीजिए, इसको कितना मान लीजिए आप, 100, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर आगे इसने मुझसे बोला है दोनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 7:5 और 3:2 है। अब आप एक बात देखो, इसमें जो अनुपात है ये 7:5 कितना है, 5, एक्स वाले में 7:5, और वाई वाले में कितना है, वाई वाले में जो इसका अनुपात है वो 3:2 है। अब एक बात आप लोगों को पता है कि एक नंबर को दो जगह कैसे बांटते हैं, एक नंबर को दो जगह कैसे बांटते हैं, मेरे हिसाब से योग कितना, 12, इसको डिवाइड करा, 1 बराबर कितना आ गया, 10, 1 बराबर 10, तो 7 से जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 70, 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 50,
वही प्रोग्राम अभी यहाँ है कि एक नंबर को दो जगह बांटना। तो एक नंबर को हम दो जगह कैसे बांटते हैं, मेरे हिसाब से दोनों का योग कितना, पाँच, पाँच बराबर पचास, सौ डिवाइड करेगा तो एक बराबर कितना आ गया, बीस। जब एक बराबर बीस है, तीन बराबर निकालना है, तीन से यहाँ, तीन से यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, साठ। दो बराबर निकालना है, दो से मल्टीप्लाई करो, तो जब दो कितना हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई, चालीस। ये मेरे पास किसका अनुपात है, दूध और पानी का, दूध और पानी, और दूध और पानी ये मुझसे बोल रहा है कि जब दोनों मिश्रण को मिला देते हैं, जब दोनों मिश्रण को मिला देते हैं तो दूध और पानी का अनुपात बताओ। अब एक सिंपल बात देखो, जब आप इसे मिलाओगे तो दूध और दूध में मिलेगा, तो यहाँ दूध कितना 60 और यहाँ कितना 70, आप इन दोनों को मिलाओ कितना हो गया 130। अब आप पानी पानी में मिलेगा, यहाँ पानी कितना 50 और यहाँ पानी कितना 40, 50 और 40 कितना हो गया 90। यही इसका अनुपात आ गया, जीरो से जीरो कट गया, तो 13:9 यही हमारा क्या है, आंसर है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूपी हाई कोर्ट में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान देंगे क्या है। एक दुकानदार दो प्रकार की वस्तुएं 80 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है तथा उन्हें मिलाकर 99 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि कुल मिश्रण 150 किलोग्राम हो तो दूसरे प्रकार की वस्तु की मात्रा ज्ञात करो। एक्चुअली क्या है कि हाँ समझेंगे ध्यान से, हमारे पास 150 किलोग्राम वस्तु है, इसमें पहली वाली उसने जो खरीदी वो 80 रुपये के भाव से खरीदी और दूसरी वाली जो उसने वस्तु यहाँ खरीदी वो उसने 110 रुपये के भाव से खरीदी। अब उन्हें मिलाकर उसने 99 रुपये प्रति किलोग्राम से बेची और बेचने पर उसको 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। एक्चुअली क्या है कि फंडा होता है एलिगेशन, इसमें क्या होता है जब एक प्रकार की वस्तु हो और कोई दूसरे प्रकार की वस्तु हो और इन दोनों को मिला के एक वस्तु हो तो वहाँ पर हम लगाते हैं एलिगेशन। तो एक प्रकार ये हो गया, एक ये हो गया और इसको मिला के ये 99 हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो है 99 बेची गई है तो ये बिक्री मूल्य है, बिक्री मूल्य, जबकि हमको तीनों मूल्य एक से रखने होते हैं, ये खरीदी, ये खरीदो, ये भी खरीद वाला होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ क्रय मूल्य निकालता हूँ। किस तरह से, देखो क्रय मूल्य हमने माना अपनी मर्जी से 100, इसने हमसे बोला कि 10% के लाभ पर बिका। अब आप बताओ कि अगर 100 वाला सामान 10% के लाभ पर बिकता है तो ये कितना हो जाएगा, 110 बिक्री मूल्य। लेकिन बुक ने बोला है कि कितने रुपए का बिका, 99 का, तो बुक का जो बिक्री मूल्य है वो कितना है, 99 रुपये। तो ये भी बिक्री मूल्य, ये भी बिक्री मूल्य, दोनों बराबर होंगे तो मेरा एक बराबर जो हो गया वो 99 बटे कितना हो गया, 110, ये बटे पहुंच जाएगा। मुझे क्रय मूल्य निकालना था, मेरा क्रय मूल्य कितना है 100, 100 का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड, इस वाले जीरो से ये जीरो गया, ये 9 बार गया, इसकी मल्टीप्लाई कर 90, तो इसका जो 90 आ गया ये दोनों का मिला के, इसका अंतर कितना है 20 और इसका अंतर कितना है 10, अनुपात लेना है, जीरो से जीरो कट गया तो मेरा कितना आ गया 2:1। अब मुझको जो बताना है वो मुझसे पूछ रहा है कि दूसरे प्रकार की वस्तु की मात्रा बताओ। ये बताओ मेरे हिसाब से कुल कितना, कुल मेरे हिसाब से कुल है 3, लेकिन बुक ने बोला है कि कुल कितना है 150, तो 3 बराबर 150 डिवाइड करोगे तो 1 बराबर कितना आ गया 50। इसने मुझसे बोला है दूसरी प्रकार की वस्तु, मेरे हिसाब से दूसरे प्रकार की वस्तु कितनी है 1, इसका मतलब मुझे 1 का मान निकालना है और 1 बराबर कितना है 50, इसलिए यही मेरा क्या है आंसर। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अल्कोहल के एक विलयन में 15% अल्कोहल तथा एक अन्य विलयन में 5% अल्कोहल, दूसरे प्रकार के कितने लीटर विलयन को पहले प्रकार के 20 लीटर विलयन में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 10% अल्कोहल हो जाए। एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, देखेंगे समझेंगे ध्यान से। हालांकि देखो इसने हमसे बोला कि पहले प्रकार के में कितना है 15% और दूसरे प्रकार में कितना है, दूसरे प्रकार के कितने लीटर मिश्रण में पहले प्रकार के 20 लीटर मिश्रण को मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में 10% अल्कोहल हो जाए। ये जो है ये दोनों को मिला के जो है 10% है और दूसरे प्रकार का कितना है 5%, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल। ध्यान से इस बात को समझो कि पहले प्रकार के में तो 15% अल्कोहल, दूसरे वाले में 5% अल्कोहल और इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो उसमें कितना 10% अल्कोहल। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि पहला वाला अगर 20 लीटर है तो दूसरा वाला बताओ। तो एक बात सुनो आप सिंपल, यहाँ एलिगेशन लग जाएगा, इसका अंतर कितना है 5 और इसका अंतर कितना है 5, इस बात का मतलब ये हुआ 5 से 5 1:1, इसका मतलब ये हुआ जितना
पहला वाला है उतने कितना होगा बाद वाला होगा, मतलब जब एक अनुपात एक है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों की मात्रा क्या है बराबर। इसने मुझसे बोला है कि पहला जो है 20 लीटर है तो मेरा एक बराबर किसके हो गया 20 के, तो यहाँ भी एक बराबर किसके होगा 20 के। तो हमसे पूछा गया है कि दूसरे वाले मिश्रण की मात्रा बताओ, तो दूसरे में एक बराबर कितना है 20, यही हमारा क्या है आंसर। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, अब जो है इन्हीं मेथड की वैल्यू है अब फॉर्मूलों से और एक्स वाई के ज़माने चले गए, जो चीज़ें अब शॉर्ट ट्रिक भी चल रही है उनको हमको सीखना पड़ेगा जब भी सिलेक्शन के ज़्यादा चांस हैं। मुझे आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक।